Master Principal, teachers and my dear friends. My name is Janvi Trivedi. I read in class 7th. मैं और मेरी टीम यहाँ पे एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शौचालय का महत्व। ये है हमारी टीम के मेंबर। My name is Kamini Devi. I read in class 7th. My name is Komal Gupta. I read in class 7th. My name is Sachra Ji. I read in class 7th. My name is Anshita Vasthi. I read in class 7th. अब आप लोग इस नाटक के पहले एपिसोड में देखते हैं कि कैसे एक लड़की अपने छोटे भाई को साफ सफाई के बारे में समझाती है। साफ रखो भाई, सफाई पर भाई ध्यान रखो। टीटी को डस्टबिन में डाल दो। दीदी डस्टबिन क्या होता है मुझे पता नहीं, मैं ऐसे गड्ढे में डाल दूं? हाँ डाल दो। अब आप लोग इस नाटक के दूसरे एपिसोड में देखेंगे कैसे कई बच्चे दूसरों को जागरूक करने के लिए रैलियां निकालते हैं। मंदिर मस्जिद हजा बारा कचरा मत फेंकना दो बारा, मंदिर मस्जिद हजा बारा कचरा मत फेंकना दो बारा, लोटा बोतल बंद करो शौचालय सब बंद करो। ए टीटे देखो ये बच्चे कितने अच्छे हैं, ये अपने गांव को जागरूक कराने के लिए रैलियां निकालते हैं। हाँ दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, हम भी अपने गांव को जागरूक कराने के लिए रैली निकालते हैं। ठीक है चलो। लोटा बोतल बंद करो शौचालय का प्रबंध करो, लोटा बोतल बंद करो शौचालय का प्रबंध करो, मस्जिद मंदिर हो चौबारा कचरा मत फेंकना दोबारा, मंदिर मंदिर हो चौबारा कचरा मत फेंकना दोबारा। घर में फुटपुटिया तो मुँह जाती बाहर रखने जाती बिटिया, घर में फुटपुटिया तो मुँह जाती बाहर रखने जाती बिटिया, घर में टीवी घर में बीबी बाहर रखने जाती बीबी। अब आप लोग इस नाटक के तीसरे एपिसोड में देखेंगे कैसे डीएमजी स्कूली बच्चों को शौचालय के बारे में समझाती है। बच्चों जानते हो तुम्हारे स्कूल में आज कौन आने वाला है? नहीं मैम। तुम्हारे स्कूल में आज डीएम मैडम आने वाली है, तुमको वो शौचालय के महत्व पे कुछ समझाएंगी। महत्व शौचालय का महत्व। सही बैठ जाओ, आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। बैठ जाओ। थैंक यू मैम। आज आपको पता हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? नहीं मैम, आज हम आप लोगों को शौचालय के महत्व के बारे में बताने के लिए आए हैं। अच्छा मैम, आप लोगों में से कितने लोग बाहर शौच के लिए जाते हैं? एक बीमारी दो बीमारी तीन बीमारी, इसी तरह से बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी और आप लोग बीमार भी पड़ते जाएंगे। आप लोगों को पता है इससे कितनी बीमारियाँ फैलती हैं? नहीं मैम। इससे हैजा डायरिया टाइफाइड आदि बीमारियाँ फैलती हैं। अच्छा, से आप लोग खुले में जाना बंद ही कर दो तभी अच्छा रहेगा। के चौथे एपिसोड में देखेंगे कैसे एक बूढ़ी दादी और एक लड़की बाहर शौच के लिए जाती है और इसे कैसे कई बच्चे बाहर ना जाने के लिए समझाते हैं। ए टीटे देखो वो बूढ़ी दादी सड़क के किनारे शौच के लिए शौच जा रही है, चलो इन्हें रोकते हैं। ठीक है चलो। दादी जी आप कहाँ जा रही हो? बाहर शौच के लिए जा रहे हैं। दादी जी आप जानती नहीं हो बाहर जाने से कितनी बीमारियां फैलती हैं? डायरिया पैचिस हैजा आदि बीमारियां फैलती हैं जो हमको बीमार कर सकती हैं, इसलिए आप बाहर में शौच के लिए जाया करो। और दादी आप बाहर शौच के लिए जाओ कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े आदि कीड़े मकोड़े होते हैं, इसलिए घर में शौचालय बनवा लीजिए। बनवा लेंगे। दादी आपको पता है घर में शौचालय न होने का कितना बड़ा नुकसान होता है? बताता हूँ दादी, घर में शौचालय न होने से जब आप बाहर जाती है तो वहाँ पे कई कीटाणु होते हैं जिनसे आपको बीमारी हो सकती है और इसमें खासकर औरतों को ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। और दादी जी आप जानती नहीं सरकार इसके लिए 12,000 रुपए की सहायता भी कर रही है। बनवा लेंगे। और दादी सोच के बाद हाथ साबुन से धुलने चाहिए। ठीक, तुम लोग तो मुझसे भी ज्यादा समझदार निकले। दादी अब आप खुले में जाना बंद ही कर दो और दूसरों को भी जाने बाहर ना जाने के लिए प्रेरित कर देना। ठीक। आज हम सभी शपथ लेते हैं कि बाहर शौच नहीं जाएंगे और दूसरों को बाहर ना जाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। अब हम आप लोगों के सामने गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शौचालय बनवा लो बाबू शौचालय बनवा लो, शौचालय बनवा लो बाबू शौचालय बनवा लो, अपने घर की लाज बचा लो बहू बेटी।
खुशबू फैला लाए। खुशबू से महके वतन हमारा ऐसा वतन बना लो। खुशबू से महके वतन हमारा ऐसा वतन बना लो। शौचालय बनवा लो बाबू, शौचालय बनवा लो। पहले बनवा लो शौचालय फिर ले लो तुम पैसा। सरकार की स्कीम बनी कुछ ऐसा। अपने भारत सरकार